सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक क्या है, हमें फोर्थ ट्रिक वीडियो देखनी है जिसमें चौथी ट्रिक बता रहा हूं, एल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन चेक करना है। अगर आपको इस रूटीन से चलना है तो आप ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको 1 डिग्री एल्कोहल चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं और कीटोन का नॉर्मल कंडीशंस में ऑक्सीडेशन होता नहीं है। सो यहां पर 1 डिग्री एल्कोहल आपको लेना है अगर आपको ये कन्वर्जन करना है तो। सो देखिए कन्वर्जन दिखाता हूं, सपोज करिए कि आपने यहां पर 1 डिग्री एल्कोहल लिया RCH2OH। ये 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि OH जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, पीछे R, बाकी दोनों बॉन्ड इसने हाइड्रोजन से बनाए हैं। अब ये कन्वर्जन जरा ध्यान से इसको चेक करिएगा, सबसे पहले एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, तो इस कन्वर्जन को चेक करिए किस में कन्वर्ट होगा, R एंड देन CHO। नाउ लुक एट इट, यहां पर आपने क्या किया, CH2OH को किस में कन्वर्ट कर दिया, CHO के अंदर, मतलब फाइनली 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इस रिएक्शन को यहीं स्टॉप कर देना चाहते हैं तो यहां पर आप किसको इस्तेमाल करेंगे जरा चेक करिए, ये काम आप PCC से कर सकते हैं, पिरिडिनियम क्लोरो क्रोमेट, उसके अलावा ये काम आप PDC से भी कर सकते हैं, पिरिडिनियम डाइक्रोमेट, और उसके अलावा यहां पर एनहाइड्रस CRO3 भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें से कुछ भी इस्तेमाल करिए, एल्डिहाइड तक ही केमिकल रिएक्शन रुक जाएगी, क्लियर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं, मैं लिख देता हूं पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, यानी कि आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा और एल्डिहाइड तक ही रुक जाएगा, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है लेकिन पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है। पीसीसी से कराओगे, पीडीसी से कराओगे, या फिर एनहाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड CrO3 से कराओगे, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, इससे फाइनली ये जो 1 डिग्री एल्कोहल है वो एल्डिहाइड तक जाके रुक जाएगा, उसके आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। समझ में आता है सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कर क्या रहे हो, ऑक्सीडेशन ही कर रहे हो, 1 डिग्री एल्कोहल से फाइनली एल्डिहाइड और यहां कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीडेशन ही कर रहे हो। सो अगर आप यहां तक ही रुकना चाहते हो तो इनमें से किसी को भी इस्तेमाल करो, ये यहीं तक ही रुक जाएगी, लेकिन अगर आप आगे भी जाना चाहते हैं तो जरा चेक करिएगा, मैं आपको हर वे से बता रहा हूं। अगर आप एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन करवा के फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब RCOOH में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिए ये काम कौन कर सकता है, ये काम KMnO4 भी कर सकता है, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये काम K2Cr2O7 भी कर सकता है, ठीक है, जरा ध्यान से उसको देखते रहिएगा। इसके अलावा ये जोन्स रिएजेंट भी ये काम कर सकता है, CrO3+H2SO4, क्लियर होता है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन इसके अलावा ये जो काम है वो फेलिंग्स एंड टॉलेंस रिएजेंट भी कर सकते हैं, मैं लिख देता हूं फेलिंग्स या फिर आप क्या ले सकते हो, टॉलेंस, फेलिंग्स या फिर टॉलेंस रिएजेंट इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहां पर जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे कि फेलिंग्स एंड टॉलेंस, इनको हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये तक इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ये तक एल्डिहाइड को किधर लेके जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके जाते हैं, मतलब ये इतने पावरफुल नहीं है लेकिन फिर भी लेके जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर तो मैं सेपरेट वीडियोस बना चुका हूं, अगर आपको डिटेलिंग चाहिए तो आप फेलिंग्स एंड टॉलेंस वाली वीडियो पे चले जाइएगा, आपको मिल जाएगा, एक बार चैनल को सर्च करिए आपको मिलेगा। लेकिन यहां पर हमारा मकसद क्या है कि कन्वर्जन कैसे होगा उसको चेक करना है, ठीक है। सो यहां पर जरा चेक करिए, अगर आपको सिर्फ 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड तक जाना है तो पार्शियल ऑक्सीडेशन वाले इन रिएजेंट को इस्तेमाल करिए, PCC, PDC, एनहाइड्रस CrO3, ये पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं, आपको एल्डिहाइड तक लेके जाएंगे। अब अगर एल्डिहाइड से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाना है तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसको हम लोग जोन्स रिएजेंट कहते हैं, मैं लिख देता हूं, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जोन्स रिएजेंट। इसके अलावा आप यहां पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हो, कौन कौन से हैं, फेलिंग्स एंड टॉलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक कर लीजिएगा। सो फाइनली फेलिंग्स एंड टॉलेंस भी इस्तेमाल करोगे तब भी कन्वर्जन हो जाएगा, क्लियर होता है सब लोगों को। अब खास बात पर आते हैं, मान लीजिए आप सीधे ही यहां से यहां जाना चाहते हो, ठीक है, सीधे, तो आप डायरेक्ट वे से भी कर सकते हो, आप ये जो तीनों लिखे हैं मैंने, क्योंकि ये तीनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करो, सीधे पहुंच जाओगे। कौन कौन से, एक तो KMnO4 एसिडिक बेसिक, जो आपका मीडियम अच्छा लगे उसमें कर सकते हो, ठीक है, लिख देता हूं H+ OH- आपकी मर्जी,
इसके अलावा K2Cr2O7 ये भी लेके जा सकता है, ये तो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर जोन्स रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हो, CrO3 प्लस H2SO4, आप डायरेक्टली भी यहाँ से यहाँ जा सकते हो। क्लियर हो गया? वो मैंने आपको सारी सिचुएशंस बता दी कि कौन सा किस में कैसे कन्वर्ट करके देगा, तो एक एक चीज मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर होता है? सो फाइनली हमने यहाँ पर क्या समझा कि 1 डिग्री एल्कोहल फाइनली एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड पे कैसे कन्वर्ट करता है। क्लियर हो गया सबको? अब अगर यहाँ पर बात करें, देखिए एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आपने यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल लिया होता, मैं क्लियर करता हूँ, अगर आपने यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल लिया होता तो 2 डिग्री एल्कोहल आप इसमें से कोई भी ले लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि आपने KMnO4 लिया या फिर K2Cr2O7 लिया, क्लियर होता है, या फिर यहाँ पर आप ले रहे हो H2SO4 प्लस CrO3, कुछ भी लो, फाइनली ये 2 डिग्री एल्कोहल आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देने वाला है, कीटोन, ये ध्यान रखना है, कीटोन ही देगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके नहीं जाएगा, क्योंकि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो 2 पॉइंट है, नंबर 1 एंड नंबर 2, ये खासा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री बहुत अच्छी सिचुएशन यहां पर आपको बता दी है कि क्या क्या चीजें कैसे कन्वर्ट होंगी। अब खास बात पर आते हैं, एक और अच्छी केमिकल रिएक्शन कन्वर्जन की बताता हूं, जरा ध्यान से इसको चेक करिएगा। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या किया था, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में कैसे जाते हैं वो बताया था। अब बैक भी आ सकते हो, ट्रिपल से डबल और डबल से सिंगल, लेकिन आसान बहुत है, इसलिए मैं इसी वीडियो में उसको कवर कर रहा हूं। मान लीजिए आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना होता, हाइड्रोजिनेशन करना होता है, आप प्लेटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो, निकिल ले लो, हाइड्रोजिनेशन करवा दो। सो फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बॉन्ड टूटेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट होगा। अब एक बार और अगर कराते हो, इन्हीं से ही कोई भी ले लो, प्लेटिनम, पैलेडियम, ठीक है, निकिल, हाइड्रोजिनेशन कराइए तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आप सिंगल से डबल से ट्रिपल बॉन्ड लास्ट वीडियो में सीखे थे, इस वीडियो में मैंने आपको ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ कैसे जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। सो यहां पर हमने इस वीडियो में बहुत अच्छी चीजें सीखी हैं कि हमको अगर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जाना है या फिर 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जाना है तो कैसे जाना है, अगर हमें 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन की तरफ जाना है तो कैसे जाना है, और ये सारा काम कैसे होता है, ऑक्सीडेशन करवाना है आपको। क्या कराना है? ऑक्सीडेशन। क्लियर होता है सब लोगों को? तो ये सबको समझ में आ गया, यहां पर सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखे हैं। अब एक लास्ट और चीज बता देता हूं, ध्यान से उसको चेक करो, मैंने हमेशा बताया, जैसे यहां पर भी हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ आए थे, मैंने उल्टा लेके गया हूं आपको। इसी तरह से आप एल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ गए हो तो आप वापस भी आ सकते हो। वापस आने का काम कैसे होगा, देखो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड की तरफ आना चाहते हो तो यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जो आपको वापस लेके आएगा, और एल्डिहाइड से अगर अल्कोहल की तरफ आना चाहते हो तो सेम रिएजेंट इस्तेमाल कर लो, काम हो जाएगा। लेकिन यहां पर और भी रिएजेंट इस्तेमाल किया जा सकते हैं इस कन्वर्जन में, लेकिन वहां पर सिर्फ यही है, या फिर आप इसकी जगह पे B2H6 भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर होता है? लेकिन यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड भी इस्तेमाल कर सकते हो, NaBH4, यानी कि आप वापस भी आ सकते हो। ये देखिए वहां पर वापस आने की बताई, उसके बाद मैंने इसकी वापस आने की बताई। क्लियर होता है? तो आप जा सकते हो तो वापस भी आ सकते हो, उनके रिएजेंट आपको ध्यान होने चाहिए। सबको क्लियर हो गया? सो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड की तरफ आना चाहते हो, इसका मतलब आप उल्टा आ रहे हो, इसका मतलब यहां पर रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन से वहां तक गए थे तो रिडक्शन से वापस आओगे। अब रिडक्शन कराएगा कौन? तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है, इसके अलावा B2H6 इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा रिएजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। फाइनली आप एल्डिहाइड से एल्कोहल की तरफ आना चाहते हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों ही बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है जो इसको रिड्यूस कर सकते हैं। सो फाइनली गाइज, आज की वीडियो में हमने बहुत अच्छी चीजें सीखी, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। सो गाइज, ये होती है ट्रिक नंबर 4, जो कि आपको अच्छी खासी मदद करेगी। सारी ट्रिक्स को कॉपी के अंदर बराबर लिखते जाओ, उसके अलावा
इसी तरह से ट्रिक्स को देखकर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि सारी ट्रिक्स आपको डिलीवर कर दूं। इसके बराबर एमाइंस भी शुरू हो गया है और अनअकैडमी पे मेटलर्जी चैप्टर भी फिनिश होने वाला है, एंडिंग पॉइंट पर है, सो उसको ज़रूर देखो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ होमवर्क होता है, उसको भी बराबर चेक करो। सो चलिए गाइज, अब अगली ट्रिक वीडियो मिलेंगे और एमाइंस भी चैप्टर पैरेलली चल रहा है, उसमें भी मिलते रहेंगे। सो चलिए गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।